हेलो दोस्तों, मैं हूँ ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे आप फॉर्म को पूरा फिल करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करना होगा। वेब ब्राउज़र को ओपन करने के लिए चलिए मैं यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन कर देता हूँ। जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च इंजन में आपको लिखना होगा FCS। जैसे ही आप यहाँ से FCS लिखेंगे, FCS पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे FCS गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ये खरीद हेतु किसान पंजीकरण, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहां से देख सकते हैं किसान पंजीकरण हेतु बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं। यहां पे विपणन वर्ष 2021-22 है, आपको यहां से धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां से धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां से आप देख सकते हैं कि धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण विपणन वर्ष 2021-22 यानी फसल का नाम धान दिया गया है। आप यहां से इन सभी स्टेप्स को आप पूरा, जितनी भी आपके किसान पंजीकरण हेतु बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप यहां से आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पे एक पेज खुल कर के आएगा जिसमें आप यहाँ से किसान का नाम भर सकते हैं। तो चलिए मैं दोस्तों आपको किसान का नाम, इसके बाद आप यहाँ से जेंडर भरेंगे कि कौन से जेंडर का है। इसके बाद यहाँ पे आप आधार संख्या भरेंगे। आधार संख्या भरने के बाद यहाँ से आप जिला चुनेंगे। जिला चुनने के बाद आप यहाँ से ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है, इस कैप्चा को फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद OTP प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको ये डिटेल्स पूरा भर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी डिटेल्स भरी जा चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर OTP प्राप्त करें पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको OTP भरना है। OTP भरने के बाद आप यहाँ से सत्यापित पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने OTP भर दिया। OTP भरने के बाद आपको सत्यापित करें पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये किसान का नाम आ चुका है, जेंडर आ चुका है। अब यहाँ से आपको आधार में पंजीकृत जो आपका मोबाइल नंबर होगा, जो भी आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद इनके पिता का नाम लिखना है अथवा पति का नाम। इसके बाद किसान की श्रेणी आप चुनेंगे कि ये किसान किस श्रेणी के हैं, आप यहाँ से श्रेणी चुनेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप उनका पता भरेंगे। पता भरने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे धान बेचने हेतु परिवार के एक नामित सगे सदस्य का विवरण, आप यहाँ से उनके एक सगे सदस्य का विवरण चुनेंगे। जैसे कि उनके सगे सदस्य में या तो महिला हो सकती है या फिर पुरुष हो सकता है, तो मैं यहाँ से पुरुष चुन लेता हूँ। आप जो भी चुनना चाहें चुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप संबंध में चुनेंगे। यदि अगर मैंने पुरुष चुना तो यहाँ पे पुरुष का नाम दिखाई देगा, जैसे दामाद, पुत्र, पति, पिता, सगा भाई, आप यहाँ से जो भी चुनना चाहते हैं आप चुन सकते हैं। चुनने के बाद यहाँ पे सदस्य की आधार संख्या भरेंगे और सदस्य का नाम भर लेंगे। इतना भरने के बाद आपको यहाँ पे किसान की भूमि का विवरण देना है, जैसे कि किस जनपद में किसान का भूमि है, उसकी तहसील क्या है, उसका परगना क्या है। यहाँ से आप अपना परगना चुनेंगे और यहाँ से आप तहसील चुनेंगे। तहसील चुनने के बाद परगना चुनेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप ग्राम का नाम चुनेंगे कि किस ग्राम में वो किसान का खेत है। तो यहाँ से चलिए हम ग्राम को भी चुन लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ग्राम का भी नाम चुन लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको खाता संख्या भरना है। जो भी आपकी खतौनी में खाता संख्या होगा उसे आप भरेंगे। ये 5 अंकों का होता है। देख सकते हैं कि मैंने खाता संख्या भर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे नाम खोजे पे क्लिक करना है। जैसे आप नाम खोजे पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से किसान का नाम यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने किसान का नाम चुना। इसके बाद आप यहाँ से भूमि का विवरण जोड़े पे आपको क्लिक करना है। भूमि का विवरण जोड़े पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी तहसील, ग्राम, परगना जो भी है उसका नाम, पूरी डिटेल्स है, आपका खाता नंबर और आपका क्या नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डाटा संख्या और खसरा नंबर भी दिया गया है। कुल रकबा हेक्टेयर में दिया गया है।
इसके बाद कुल रकबे में किसान की कितनी हिस्सेदारी है आपको इसे भरना है, और भूमि में बोए गए गन्ने का रकबा कितना है, अगर आपने गन्ना बोया है तो उसे भी भर सकते हैं। भूमि में अन्य फसल का रकबा कितना है, अगर आप कोई फसल बोएं तो आप इसे भी रख सकते हैं, अन्यथा आप जीरो ही छोड़ सकते हैं। ये आपको भरना ज़रूरी है कि हिस्सेदारी की भूमि में बोए गए धान का रकबा कितना है, आपको ये भरना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे ये बेची जाने वाली धान की मात्रा क्विंटल में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए मैं डिटेल से फिल करके आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये पूरी डिटेल्स भर ली है, जैसे किसान कुल रकबे की हिस्सेदारी, बोए जाने वाले गन्ने की हिस्सेदारी, अन्य फसल का रकबा, और फिर कितना धान बोया गया कितने हेक्टेयर में, ये जानकारी आपको हेक्टेयर में भरनी है। इसके बाद आप यहां से सुरक्षित पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहां से आपको ओके पे क्लिक करना है। यदि अगर आप किसान की भूमि का विवरण ये सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है, अतिरिक्त भूमि का विवरण जोड़ने के लिए और भी विकल्प का यहाँ पे भूमि का विवरण खोजे विकल्प पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये डिटेल्स हमारी पूरी सुरक्षित हो चुकी है। आप इसे संशोधित भी कर सकते हैं अथवा डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं एक जगह और खेत है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना फिर से जनपद चुनूँगा, इसके बाद तहसील, इसके बाद आप यहाँ से परगना चुनेंगे, परगना चुनने के बाद आप यहाँ से ग्राम चुनेंगे, ग्राम चुनने के बाद फिर से आपको खाता संख्या डालना है और फिर से आप खोजे पे क्लिक करें। डिटेल्स फिर से दोबारा भर दिया, यहाँ पे जनपद और फिर जो भी डिटेल्स बननी थी, खाता संख्या, और यहाँ पे मैंने कितना ज़मीन है पूरा, कितने में धान बोया गया, इसको मैंने भर दिया। और भी अगर हमारे पास गन्ने की अगर ज़मीन नहीं है, गन्ना नहीं बोया गया है, तो आप यहाँ से ये डिटेल्स नहीं भी फिल करेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद आप यहां से सुरक्षित पे क्लिक करेंगे। सुरक्षित करें क्लिक करने के बाद फिर से आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी डिटेल्स फिल कर दी गई है। फिल करने के बाद अब आपको यहां पे ये जो कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को भरना है। जैसे आप यहाँ से कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भरने के बाद आप यहाँ से पंजीकरण करे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पंजीकरण करे पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखें किसान का विवरण सफलतापूर्वक संशोधित हो गया। इसके बाद आप यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। आप इसे चाहे तो प्रिंट करके भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे प्रिंट करके रख लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको प्रिंट करने के बाद आप यहां से स्टेप नंबर 4 पे चले जाएंगे, पंजीकरण लॉक पे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां से देख सकते हैं कि आपको अपनी पंजीकरण संख्या डालना है, जो मैंने कहा था कि आप इसे नोट कर लीजिएगा, अथवा आप यहां से अपना आधार संख्या भी डाल सकते हैं। आधार संख्या देने के बाद अथवा पंजीकरण संख्या देने के बाद आप यहाँ से अपना कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद फिर से आप यहाँ से आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आप यहां से स्टेप 5 से पंजीकरण का फाइनल प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आप जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने ये पूरी तरह से पंजीकरण कैसे करना है, आपको किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इसी से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों, आप यहां से स्टेप 6 और स्टेप 7 का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भुगतान हेतु बैंक की स्थिति भी आप जान सकते हैं यहां से स्टेप 6 से, और लाख के उपरांत टोकन भी बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।